हेलो एंड वेलकम बैक टू द वेगा प्लस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से आता है। इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई और आईसीएसई क्लास 10 दोनों के लिए टर्म 2 के लिए डिस्कस करेंगे जो कि आपका टर्म 2 का सिलेबस है। तो इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते अपने स्लाइड की ओर। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में सबसे पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी जानने होंगे जो कि है पहला लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट होता क्या है? तो द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। कहने का मतलब क्या है कि जो लाइन ड्रॉ किए जाते हैं ऑब्जर्वर के आंखों से उस ऑब्जेक्ट के पॉइंट में, पॉइंट के अंदर, मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो उनके बीच में कहीं पॉइंट है, वहां से लेकर ऑब्जर्वर के आंखों तक इनको कनेक्ट करने वाला जो लाइन है वो क्या कहलाता है? लाइन ऑफ साइट कहलाता है। तो सबसे पहला पॉइंट था लाइन ऑफ साइट, वो जो कि डिस्कस कर दिए, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, यहाँ समझिए आप। द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विथ हॉरिजेंटल व्हेन इट इज अबव द हॉरिजेंटल लेवल। मतलब देखिए ये जो लाइन आपका सेगमेंट ग्रीन वाला आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो क्या है? हॉरिजेंटल लाइन है, जो कि क्या हो सकता है, किसी भी ग्राउंड के पैरेलल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हॉरिजेंटल लाइन है। हॉरिजेंटल लाइन से लाइन ऑफ साइट के बीच में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबव द हॉरिजेंटल लाइन जो एंगल फॉर्म करेगा वही क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कहलाएगा। ये पॉइंट एकदम याद रखिएगा कि हॉरिजेंटल से अबव द हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल फॉर्म करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो आपका क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यहां एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? देखिए द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजेंटल व्हेन इट इज बिलो द हॉरिजेंटल लेवल, ठीक है। यहां पर कहने का मतलब क्या है कि अगर ऑब्जर्वर अब हमारा ऊपर की ओर है तो ये इसका हॉरिजेंटल लेवल है जो कि क्या है, यहाँ ग्राउंड से पैरेलल होगा, ठीक है। तो वो क्या ऊपर से नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो देख रहा है तो वहां पर क्या है, हॉरिजेंटल लाइन से लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल बनेगा वो यहाँ पर क्या है, क्लॉकवाइज में एंगल बन रहा है, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। और ये जिस लाइन में देख रहा है, जो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा है उसके आंखों से, तो वो क्या हो जा रहा है, लाइन ऑफ साइट कहला रहा है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये आपको जान के रखना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन आपस में बराबर होते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लेते हैं अभी के लिए कि अभी हम लोग क्या है, नीचे से ऊपर के अबव द हॉरिजेंटल लाइन देख रहे हैं। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पी पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। जब हम लोग क्या करेंगे कि हमारा आईज, मतलब कि हम लोग ऊपर चल गए पॉइंट पी के जगह पर और यहाँ पॉइंट पी हमारा नीचे आ गया, तो यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर बिलो द हॉरिजेंटल लाइन देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। ये जो लाइन है हमारा वो क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। हॉरिजेंटल लेवल से और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल बिलो द हॉरिजेंटल लाइन, तो वो क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, कैसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो हॉरिजेंटल लेवल है और यहाँ ये लाइन है इस तरह से, और ये हॉरिजेंटल लेवल है, ठीक है। तो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। अगर मान लीजिए इसका नाम हम दे दें ए बी और इसका नाम दे दें सी डी, ठीक है। तो ये दोनों लाइन आपस में क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और जो दो लाइन आपस में पैरेलल होंगे और उनको बीच से एक ट्रांसवर्स जो बी सी है वो कट कर रहा है, तो यहाँ पर एक जेड बन रहा है, क्या देख रहे हैं, जेड इस प्रकार से बन रहा है। तो ये जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसके हिसाब से भी क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपस में बराबर हो पा रहे हैं। तो देखते हैं आप इसको क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे बेसिक क्या है कि क्वेश्चन से आप अधिक से अधिक सवालों को समझ सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर वन क्या हो रहा है, इफ 300√3 मीटर हाई टावर मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन एट अ पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 300 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट, देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, इनके स्टेटमेंट को समझना जरूरी है। इफ 300√3 मीटर हाई टावर मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, देखिए ग्राउंड है,
यहाँ पर ये टावर है हम लोग का, जो कि कितना मीटर हाई है, 300√3 मीटर हाई टावर है। और बोल रहा है कि ग्राउंड पर कोई दूरी पर, तो कितना दूरी है, अवे फ्रॉम इट्स फुट 300 अवे फ्रॉम, मतलब इस टावर का जो फुट है, तो ये टावर का फुट कहलाता है, जहां पर टावर है उसके जो सबसे नीचे लोएस्ट पॉइंट होंगे वो फुट ऑफ द टावर कहलाएंगे। तो बोल रहा है फुट ऑफ टावर से जो ग्राउंड पर पॉइंट है वो कितना मीटर है, 300 मीटर दूर है, तो मतलब इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 300 मीटर। तो हम लोग को बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, एलिवेशन के बारे में बताएं कि हॉरिजेंटल लाइन से उस पॉइंट के टॉप मोस्ट जो पॉइंट है टावर का, जो सबसे ऊपर का पॉइंट होगा, उनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग का थीटा होगा, यही हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पर ये ट्रायंगल बन रहा है ए, यहाँ पर 90 डिग्री बी और ये सी, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लोग ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग कौन सा रेशियो ले, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हमारे छह होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो अब बच्चों के मन में ये बात आएगा कि कौन सा रेशियोज हम लोग लें, तो देखिए रिलेशंस को देखने का कोशिश कीजिए। ये अगर 90 डिग्री है तो हम सिखाए थे आपको प्रीवियस वीडियो में, उस वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन से चेक कर सकते हैं, ट्रिगोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला हम बताए थे आपको हाइपोटेन्यूज होता है, और ये जो बच गया वो क्या हमारा बेस है। तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ क्या है, बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन क्या कहलाता है, टैन थीटा कहलाता है। तो टैन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, पी बाई बी, तो पी हमारा क्या है ए बी, और बी क्या है बी सी, तो ए बी के जगह ए बी का वैल्यू रख दीजिए 300√3 बाई, और बी सी के जगह 300, यहाँ से 300 कैंसिल हो गया, ये मीटर में था ये भी मीटर में था, तो यहाँ पर ये मीटर मीटर भी कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया √3, तो टैन थीटा इक्वल टू √3, तो टैन थीटा इक्वल टू यहाँ √3 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, टैन 60 डिग्री, यहाँ से थीटा क्या हो गया 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग का कितना आ गया 60 डिग्री के बराबर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, हमें फाइंड करना था एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अ ब्रिज ऑन अ रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद इट्स एज, इफ द लेंथ अलोंग द ब्रिज फ्रॉम वन एज टू द अदर इज 150 मीटर, देन फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आपका रिवर है, तो रिवर इस तरह से गया होगा, उस पर एक पुल है जो क्या बना रहा है 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये बोल रहा है यहां पर द एंगल क्या बना रहा है, द ब्रिज ऑन ए रिवर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री, मतलब रिवर पर 45 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। इफ द लेंथ अलोंग द ब्रिज फ्रॉम वन एज टू द अदर इज 150 मीटर, मतलब ब्रिज का इस पॉइंट का जो दूरी है ब्रिज का वो 150 मीटर है, तो बोल रहा है फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब रिवर की चौड़ाई क्या होगी, मतलब कि आपसे ये पूछ रहा है ये चौड़ाई है रिवर की, इसको मान लेते हैं H, ठीक है। यहां पर एक ट्रायंगल देखिए बन रहा है आपका A B और यहां पर हम लोग मान लेते हैं C, और ये दूरी क्या हो जाएगा 150, यहां से AC जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 150 मीटर हो जाएगा। यहां पर AB क्या है, H हम लोग मान लिए लेट, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि ये परपेंडिकुलर और कौन सा ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पर ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन क्या कहलाता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, तो पी आपका परपेंडिकुलर क्या है ए बी है, और हाइपोटेन्यूज इसका क्या हो गया ए सी, तो साइन 45 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 इक्वल टू AB by AC, तो AB का वैल्यू क्या है H है, माने हम लोग,
और एसी क्या हो गया 150। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 इक्वल टू एच इंटू 150। यहां से ये क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू 150/√2। इसको रूट हम लोग नीचे नहीं रखते हैं तो जनरली क्या रेशनलाइज कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 150√2/2। रूट टू से रूट टू मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2 हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 75 आर्म। तो आंसर क्या हो जाएगा 75√2 मीटर। आप चाहिएगा तो इसको इस तरह से कर सकते हैं कि 75 × √2 का वैल्यू 1.414 मीटर, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके आप आंसर बता सकते हैं। एज इट इज आप छोड़ सकते हैं, 75√2 मीटर हो जाएगा। मतलब कि रिवर का जो विड्थ हो गया, चौड़ाई जो हो गया, वो 75√2 मीटर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कि ऐसे क्वेश्चनों में क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है, हाइट एंड डिस्टेंस में आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा है उसको सीखना बहुत जरूरी है, कि वो कह क्या रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है उसको हम लोग को समझना होगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिकल पिलर इज 100 मीटर एंड द हाइट ऑफ वन ऑफ देम इज डबल ऑफ द अदर। देखिए यहां तक के स्टेटमेंट को क्या समझ रहे हैं हम लोग, द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिकल पिलर्स। तो मान लेते एक वर्टिकल पिलर हमारा यहाँ ये है और एक वर्टिकल पिलर मान लेते हैं ये, दो वर्टिकल पिलर, तो इनके बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। ठीक है, और बोल रहा है कि द डिस्टेंस में टू वर्टिकल पिलर और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर का है, कोई दिक्कत नहीं। एंड द हाइट ऑफ वन ऑफ देम इज डबल द अदर। मान लेते हैं एक पिलर हमारा जो है वो एक्स मीटर है, तो सेकेंड पिलर के बारे में बोला उसका हाइट डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x मीटर। ठीक है, इसको हम लोग सपोज किए, लेट किए, तो ये क्या हो गया 2x मीटर हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप एट द मीड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट आर कॉम्प्लीमेंट्री। बोल रहा है कि यहां पर इन दोनों के मीड में, मतलब 100 मीटर है तो यहां पर कहीं पर 50 पर, ठीक है, यहां पर देखिए बोल रहा है मीड पॉइंट, मिड पॉइंट बोला इसलिए हम लोग लिए बीच में, तो ये दूरी क्या हो गया 50 मीटर हो गया और ये दूरी क्या हो गया 50 मीटर हो गया। ठीक है, और बोला कि दोनों के टॉप का ठीक है, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है इन दोनों का जो एंगल का सम है वो 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, ये दोनों का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 90 डिग्री के बराबर है, तो मान लेते हैं अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत, क्योंकि दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, देखिए यहाँ पर थीटा लिखे प्लस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से थीटा थीटा कैंसिल हो गया, तो 90 डिग्री के बराबर है, यानी कि सही है। तो कॉम्प्लीमेंट्री बोला है, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया कि दोनों का सम क्या है 90 डिग्री के बराबर। अब देखिए यहाँ पर दो ट्राइंगल बना ए बी, यहां मान लेते डी, यहां पर मान लेते सी और डी, तो यहां पर इन ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब हम लोग क्या निकालना, फाइंड देयर हाइट, इनके हाइट निकालना है, मतलब कि ये एक्स का वैल्यू निकालना है और यहां 2x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए एक्स और ये ए बी और बी डी में रिलेशन क्या है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या BD बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन को क्या कहते हैं tan थीटा कहते हैं। तो इन ट्रायंगल ABD एंगल B क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल B 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहां से लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि थीटा इसका वैल्यू क्या है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया 90 माइनस थीटा, ये पूरा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, तो ये हो जाएगा पी बाई बी। तो पी यहां से क्या है ए बी और बी क्या है हमारा 50 मीटर। ठीक है, तो यहाँ टेन 90 माइनस थीटा आपको सिखा चुके हैं, ये कॉट थीटा के बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा ए बी बाई 50। तो यहां से ए बी का वैल्यू क्या है 2x/50 कॉट थीटा का वैल्यू। ठीक है, यहां से ये पहला इक्वेशन। अब यहां से देखिए इन ट्रायंगल सी और ये देखिए ई जो एंगल है वो 90 डिग्री सी ई डी, तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा सी ई डी।
और एंगल ई क्या है हमारा 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया, सी ई जो लेंथ है वो परपेंडिकुलर है और डी ई जो लेंथ है वो क्या बेस है। तो यहाँ पर क्या लिखेगा टैन थीटा इक्वल टू, क्योंकि टैन थीटा क्या होता है पी बाई बी होता है, तो पी हमारा क्या है सी ई बाई और बेस क्या हो गया डी ई हो गया। तो सी ई की जगह सी ई का वैल्यू एक्स रखेंगे और डी ई की जगह पर क्या रखेंगे 50। तो ये हो गया टैन थीटा इक्वल टू एक्स बाई 50, ये दूसरा इक्वेशन है। और देखिए एक चीज हम लोग को पता है कि अगर टैन थीटा को कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। प्रीवियस वीडियो में आपको हम सिखा चुके हैं ट्रिगोनोमेट्री टॉपिक जब डिस्कस किए थे। तो यहाँ से टैन थीटा का वैल्यू क्या है अपना एक्स बाई 50 इंटू, और कॉट थीटा का वैल्यू क्या है 2x बाई 50 इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 2500। यहाँ से ये क्या आ जाएगा 125। एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा रूट अंडर 1250। तक क्या 5 into 5 into 5 into 5 into 2 लो 1250 को आप क्या लिख सकते हैं 5 into 5 into 5 into 5 into 2। तो यहाँ से देखिए 2 5 का 1 5 बाहर निकल जाएगा क्योंकि रूट है। तो यहाँ से हो जाएगा 5 into 5 into √2। तो ये आपका आ जाएगा 25√2। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया आपका 25√2 मीटर। तो यहाँ से 2x एक पोल का हाइट क्या हो गया, एक वर्टिकल पोल का हाइट हो गया 25√2 मीटर। दूसरे का हाइट क्या हो गया, तो ये 2x के बराबर था दूसरे वाला हमारा, तो 25√2 × 2 दैट इज 50√2 मीटर आंसर हो गया। तो दोनों वर्टिकल पोल का हाइट हमारा निकल गया, एक का हो गया 25√2 मीटर और एक का हो गया 50√2। आप रूट टू इंटू मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर रूट में भी छोड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देयर इज अ फ्लैग पोल ऑन अ टावर ऑफ हाइट 20 मीटर। एक टावर है जिसके ऊपर फ्लैग पोल लगा है। ठीक है, और इस टावर का हाइट जो दिया हमारा वो 20 मीटर दिया। एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर से किसी पॉइंट, तो मान लेते हैं ये पॉइंट पी हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फुट एंड टॉप ऑफ द फ्लैग, यहां पर देखिए ये हमारा क्या हो गया फ्लैग पोल का फुट हो गया और ये क्या हो गया इसका टॉप हो गया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फुट एंड टॉप ऑफ द फ्लैग आर 45 and 60 डिग्री। ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा फुट वाला 45 डिग्री और ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। जितना ऊपर एंगल उठेगा उतना बड़ा होते चलेगा, ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से ये डायग्राम हमारा बना। फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग पोल, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि फ्लैग पोल का हाइट कितना है। तो इस हाइट को हम लोग मान लेते हैं फ्लैग पोल का हाइट एच। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट बना देते हैं ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट और यहाँ पर ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो देखिए इन ट्रायंगल बी सी पी, बी सी पी में आप देखिए टैन 45 डिग्री। टैन हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया और नीचे ये क्या हो गया ये पूरा इसका बेस हो गया इस ट्रायंगल का। तो पी वाई बी होता है टैन थीटा, तो पी हमारा क्या है बी सी और बेस क्या है पी सी। तो टैन 45 का वैल्यू आप लोग को पता है 1 है और बी सी हमारे यहाँ से क्या हो गया 20 और पी सी हमारा नहीं पता है, तो पी सी को पी सी रह गया। तो पी सी इक्वल टू, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ तो पी सी इक्वल टू 20 मीटर, यानी कि बेस क्या हो गया ये 20 मीटर हमारा आ चुका है। अब अगेन देखेंगे इन ट्रायंगल ए सी पी, ए सी पी में टैन 60 डिग्री देखेंगे क्योंकि ये पूरा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है हमारा 60 डिग्री है। तो टैन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी बाई पी सी, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस होता है टैन थीटा। तो यहां से ये क्या आ जाएगा
टेन सिक्सटी का वैल्यू रूट थ्री, यहां से क्या हो गया पी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ए सी पूरा डिस्टेंस है, तो इसको आप लिख सकते हैं 20 प्लस एच बाय पी सी, जो बेस है आपका वो कितना आया है 20 आया है, जो कि यहां से 20 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 20 रूट थ्री इक्वल टू 20 प्लस एच, 20 रूट थ्री माइनस 20 इक्वल टू एच, यहां से 20 कॉमन आ गया, रूट थ्री माइनस वन इक्वल टू एच, तो हाइट ऑफ द फ्लैग पोल क्या हो जाएगा 20 इंटू रूट थ्री माइनस वन। अब यहां से आप वैल्यू रख सकते हैं 20 इंटू रूट थ्री का वैल्यू क्या होता है 1.732 माइनस वन, यहां से क्या हो जाएगा 20 इंटू 0.732, यहां से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए वही आपका आंसर हो जाएगा मीटर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स ऑन द रोड ऑन राइट एंड लेफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो कंसेक्यूटिव स्टोन्स है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर दिया है, हम लोग मान ले रहे हैं ये एस पॉइंट है, एस स्टोन है, और ये क्या है एस डैश स्टोन मान ले रहे हैं, ठीक है। यहां पर कोई एरोप्लेन है जिनके लेफ्ट साइड में और जिनके राइट साइड में, ठीक है, तो इस फ्लाइट से इस एरोप्लेन से कोई देख रहा है नीचे इस स्टोन की ओर और इस स्टोन की ओर, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहे हैं, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है लेफ्ट साइड में आपका बन रहा है, यहां देखिए लेफ्ट साइड में 45 डिग्री बन रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हमारा क्या हो जाएगा 45 डिग्री, और राइट साइड में क्या बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री बन रहा है, यहां पर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन कितने ऊंचाई पर है इस ग्राउंड से, इसको हम लोग को फाइंड करना है, तो यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि हाइट हो जाएगा एरोप्लेन का ग्राउंड से, तो इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं पी, ठीक है। अब देखिए एस से पी के बीच का दूरी अगर हम लोग एक्स लेट कर लें, तो यहां से पी से एस डैश का जो दूरी होगा वो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा डिस्टेंस हम लोग यहां से 1 किलोमीटर रखें जो कि क्वेश्चन में कह रहा है, और यहां पर एस पी क्या हो गया एक्स हो गया अगर, तो ये क्या हो गया 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए इन ट्रायंगल इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं क्यू, इन ट्रायंगल क्यू पी एस, देखिए यहां पर अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, तो टैन 45 डिग्री क्या हो जाएगा क्यू पी बाय एस पी, टैन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, और क्यू पी हमारा क्यू पी है और एस पी हम लोग क्या माने हैं एक्स, तो यहां से क्यू पी आपका क्या हो जाएगा एक्स, क्यू पी हमारे यहां से क्या हो गया एक्स हो गया। अब देखिए इन ट्रायंगल क्यू पी एस डैश, यहां से ये 60 डिग्री है तो यहां से ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्यू पी बाय पी एस डैश, ये क्या होता है tan थीटा क्या होता है पी बाय बी होता है, तो यहां से tan 60 डिग्री का वैल्यू रूट थ्री होता है और क्यू पी को क्यू पी रहने देते हैं और पी एस डैश क्या है 1 माइनस एक्स, तो रूट थ्री इक्वल टू, और क्यू पी का वैल्यू यहां से क्या आया था x आया था, इसको x रखने दिए, यहां लिख दिया 1 माइनस एक्स, यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा आपका, तो रूट थ्री माइनस रूट थ्री एक्स इक्वल टू एक्स, यहां से x को एक तरफ कर लेंगे तो रूट थ्री इक्वल टू एक्स प्लस रूट थ्री एक्स, यहां से रूट थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा x कॉमन ले लिए, तो यहां पर बचा 1 प्लस रूट थ्री इंटू एक्स, तो x यहां से वैल्यू क्या आ जाएगा x का वैल्यू रूट थ्री बाय रूट थ्री प्लस वन हो जाएगा। और देखिए फ्रैक्शन में हम लोग अभी भी नीचे डिनोमिनेटर में रूट रखते नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा हम लोग को रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो क्या रेशनलाइज करने के लिए इसके अपोजिट साइड से यहां पर क्या करेंगे
मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करके हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर लें। यहाँ से ये क्या आ जाएगा, रूट थ्री इंटू रूट थ्री माइनस वन, और यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, रूट थ्री प्लस वन और रूट थ्री माइनस वन, मतलब कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। यहाँ से ये क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू रूट थ्री इंटू रूट थ्री माइनस वन बाय और थ्री का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री और माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा टू। यहाँ पर ये एक्स का वैल्यू आ गया, मतलब कि हाइट ऑफ द एरोप्लेन कितना हो गया, रूट थ्री इंटू रूट थ्री माइनस वन बाई टू। आप यहाँ पर रूट थ्री का वैल्यू 1.732 भी रख सकते हैं या आप एज इट इज कर सकते हैं, जैसा आपको रिक्वायरमेंट होगा वैसा आप कर सकते हैं आंसर के लिए। तो यहाँ से हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ है। इस वीडियो में हम लोग पूरे डिस्कस कर चुके हैं 5 क्वेश्चन और बेसिक कॉन्सेप्ट लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। सो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।